आपकी आंख की सर्जरी होती है कोई भी, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, ग्लॉकोमा सर्जरी हो, रेटिना सर्जरी हो, आई में इन्फ्लेमेशन हुआ है, आंख को चोट लगी है, हमने उसको ऑपरेशन का नाम दिया है लेकिन वो चोट है, तो उस चोट के कारण आपकी आई प्रोटेक्टिव मोड में रहती है, तो एक साधारण हवा का झोंका या हल्का सा कचरा जो हमारी नॉर्मल आई में जाएगा तो हमारी आंख बिहेव नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। इस सिनेरियो में आफ्टर सर्जरी फॉर वन कैलेंडर ईयर, एक साल तक आपकी आंख में जलन चुभन, गड़न, आंसू आना, आंख लाल हो जाना, हल्की सी सूजन महसूस होना, तो इचिंग, वॉटरिंग, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, माइल्ड स्वेलिंग, ये बहुत नॉर्मल फिनोमेनास है। मतलब जैसे और खास करके जब मौसम बदलता है, तो जब गर्मी से ठंड आना शुरू हो रही है, या सॉरी ठंड से गर्मी आना शुरू हो रही है, फिर गर्मी से में बारिश का एक टाइम आया, बारिश में बीच में एक ऐसा मौसम आता है कि जब तीन चार दिन बारिश नहीं हो रही है, डस्ट उड़ती है, अक्टूबर नवंबर की गर्मी आती है, इन सब में आपकी आई का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग रहता है और प्रोटेक्टिव रहता है, तो चेंज ऑफ वेदर को भी वो वैसा ही सोचती है कि उसको चोट ना लग जाए, तो बहुत रिएक्शनरी मोड में रहती है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड तो बिल्कुल टिप डाउन कर जाता है। तो ये जो आपको हो रहा है ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो वो जहाँ आपको बैंगलोर में सर्जरी हुई है वहां पे भी बेसिकली हमारे यहाँ, मैंने इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कि हमारे काउंसलर जो है वो ये चीज बोलना शुरू करें, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स की सर्जरी की है, उसमें भी ये चीजें हो रही है, दिस इज नॉर्मल, ये मेरी आंख होगी तो मेरी आंख भी ऐसा बिहेव करेगी। किसी की आंख में बिहेवियर थोड़ा स्ट्रांग होता है, किसी के में कम होता है, दैट डजंट मीन कि आंख की कोई खराबी है, आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ओके, मैं वही जानना चाहती थी जैसे भी।